तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि स्टार्टिंग थोड़ी लेट है जी, CRDA इंजन की स्टार्टिंग थोड़ी लेट ही होती है। आवाज़ चेक करो जी, पावर बोर्ड में करके देखते हैं आवाज़ का फर्क आता है नहीं आता। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके लिए एक ट्रैक्टर है, महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कलर है दोस्तों इसका। ये आपको मिल जाएगा जी, महिंद्रा नोवो 655 DI ट्रैक्टर है दोस्तों। इस ट्रैक्टर के बारे में आज बातें करेंगे कि ये हमें ट्रैक्टर जो है ये किस तरह का मिलता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर में एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि बड़े किसान के साथ साथ कोई मध्यम वर्ग का किसान है जैसे, तो वो भी इसे ले सकता है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ 65 पर ही चलेगा दोस्तों। ये 55 से लेकर 65 HP तीन तरह की पावर आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इसके वेट की, तो दोस्तों इसमें 27 किलो की एक प्लेट है। इसमें आप देख लो जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेट हैं, आप जोड़ लेना। और दोस्तों इस तरह का बम्पर जो इसमें साथ में आपको मिलता है दोस्तों। और इसकी अगर हम बात करें फ्रंट मड़गाड़ की, तो जो 4x4 है उसके मड़गाड़ साथ में आते हैं, लेकिन इसमें मड़गाड़ जो है वो नहीं आते। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सामने से, जो इसकी जो शो है हमें किस तरह की मिल जाती है जी। इसमें दोस्तों हैलोजन बल्ब वाले लाइट जो है वो हमें मिल जाती हैं, चकोर शेप की लाइटें, महिंद्रा का लोगो आ जाता है जी। यहाँ पर एक विंडशील्ड मिल जाती है, हवा सीधी अंदर जाए, ट्रैक्टर जो है वो ठंडा रहे। जैसे कि CRDA ट्रैक्टर जो होते हैं वो काफ़ी गर्म चलते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक्सल की, इसमें एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल और डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग। अगर बात करें इसके टायर साइज़ की, तो पीछे हमें मिल जाता है 16x9x28 और आगे 7x50x16 के टायर इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। ट्रैक्टर में दोस्तों जो सलेंसर है वो कुछ इस तरह का पाइप वाला सलेंसर मिल जाता है, ऊपर एक गार्ड मिल जाता है आपका गर्म जो हाथ जो है वो जले ना इससे, और दोनों तरफ हीट गार्ड। और यहाँ अगर हम बात करें इसके स्टीकर की, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों क्रोम में बने हुए हैं इसके स्टीकर, यहाँ पर महिंद्रा नोवो 655 DI। दोस्तों ये आपको एम बूस्ट साथ के साथ मैं आपको बताता चलता हूँ कि इनका मतलब जो है वो क्या है। एम बूस्ट दोस्तों जो इसकी लिफ्ट है वो बूस्ट कर दी है, बढ़ा के 27 क्विंटल की लिफ्ट कर दी, 6 साल की वारंटी मिल जाती है दोस्तों। PP का मतलब दोस्तों पावर प्लस, और V1 वेरिएंट 1 है ट्रैक्टर। V1 दोस्तों कोई इंजन का मसला नहीं होता, ये ऐसा होता है कि जैसे ये पहली बार एक मॉडल बना है ये V1 है, आने वाले समय में कभी जैसे कोई इसमें बदलाव करके मॉडल बदला जाएगा तो वो V2 हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है जी DigiSense 4G महिंद्रा, ये दोस्तों ये है इसमें जैसे कि GPS वगैरह ट्रैक्टर में लगा होता है, ये DigiSense जो है वो करता है। जैसे आपका ड्राइवर खेत में चला रहा है तो डीजल कम हो गया तो आपको मैसेज आ जाएगा, या कितना ऐसे जो बातें हैं वो पता चलती रहेंगी आपके फ़ोन के ऐप में, ये वो चीज़ है ठीक है जी। अगर बात करें डीजल के टैंक की, लगभग 55 से 60 लीटर का डीजल का टैंक इसमें मिल जाता है। ऊपर चढ़ने के लिए एक हैंडल यहाँ आ जाता है दोस्तों, एक हैंडल यहाँ आ जाता है जी। पहले हम ट्रैक्टर की जो बाहर की चीज़ें हैं वो देखेंगे जी। मड़गाड़ काफ़ी बढ़िया एक सिल्वर क्लाइडिंग के साथ हमें मिल जाता है, ऊपर यहाँ पर हमें हैंडल मिल जाता है। दोस्तों बात करें अगर हुड की, तो हुड और वेट आपको ट्रैक्टर के साथ इसी तरह मिलेंगे, लेकिन वो इसी मॉडल में मिलते हैं 4x4 और 4x2 में, महिंद्रा नोवो 655 और 755 में मिलते हैं। उसके नीचे के मॉडल जो हैं उसमें आप लगवा सकते हो, 90,000 का सेट है ये दोनों चीज़ें ठीक है जी। अब बात आती है दोस्तों ट्रैक्टर के इंजन की, इंजन एक बार ओपन कर लेंगे, बोनट ओपन करके देखते हैं कि इंजन हमें किस तरह का यहाँ मिल जाता है। दोस्तों बोनट में दो स्टड लगे हुए हैं जी, शॉकर बोल देते हैं। जैसे कि हम अगर फ्रंट की बात करें, तो दोस्तों फ्रंट में हमें चोकिंग सेंसर के साथ ड्राई टाइप का एयर क्लीनर, पर यहाँ पर हमारे को जो ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ कूलेंट बॉक्स मिल जाता है, एक जाली मिल जाती है हमारा जो कबाड़ अंदर ना जाए। अब दोस्तों बारी आती है कि ये जो इंजन है इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी है। दोस्तों इसमें CRDI इंजन लगा हुआ है जी। CRDI का मतलब होता है जी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। जैसे पहले वाला क्या रहता था जी, एक फ्यूल जो होता था वो कैसे जाता था जी, इनलाइन पंप से। इनलाइन पंप जो होता था वो डायरेक्ट यहाँ लगा होता था, इंजन घूमता था, वो सप्लाई होती थी, वो सिस्टम था सीधा। लेकिन इसमें बहुत अलग चीज़ है दोस्तों, इसमें आप यहाँ चेक करो जी, दो ही पाइप हैं सिर्फ। ये है जी हमारा EGR वाल और ये है हमारी कॉमन रेल, इसमें एक ही पाइप गया है, बाकी सभी अपने अलग अलग होते हैं। और दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के जो पावर है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर में हमें डीजल सेवर मोड पर मिलती है जी 56 HP और नॉर्मल मोड में मिलती है 65 HP और पावर मोड में मिलती है जी 68 HP। और अगर हम इसी तरह बात करें
टॉर्क की, टॉर्क भी इसी तरह ही है 225 एनएम का और 260 एनएम और 277 एनएम का टॉर्क मिल जाता है। अगर बात करें सीसी की तो सीसी हमें मिलती है जी 3821 और 2100 रेटेड आरपीएम वाला इंजन हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके बोर स्ट्रोक की तो 96x132 का बोर स्ट्रोक हमें इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। ठीक है जी, दोनों पंप जो हैं वो अलग मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक का अलग और लिफ्ट का अलग मिल जाता है जी। यहाँ आ जाता है हमारा टर्बो, टर्बो चार्ज इंजन है दोस्तों, और टर्बो भी दूसरा है जी हमारा जो जरूरत पड़ने पर खुलता है, बंद हो जाता है जी, यहाँ आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जी, इसमें कैटलिक कन्वर्टर भी लगा हुआ जी, ये है जी कैटलिटिक कन्वर्टर कहती हैं, जिससे इंजन की आवाज़ जो है वो साफ़ भी होती है और कुछ समय बाद हम इसको साफ़ भी करवा सकते हैं मतलब। तो दोस्तों ये है जी ट्रैक्टर के ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का, आराम रेस्ट वाली सीट आ जाती है। अब समझेंगे कि इसमें जो हमें गियर है वो किस तरह का मिलता है, पहले गियर दे, पहले ऊपर का व्यू देख लेते हैं दोस्तों। ऊपर का व्यू ट्रैक्टर का कुछ इस तरह का मिल जाता है जी, दोनों तरफ हीट गार्ड शीशा मिल जाता है ट्रैक्टर में, पैर वाली रेस आ जाती है यहाँ, ऑलमस्ट ब्रेक आ जाता है जी। क्लच की अगर बात करें दोस्तों तो ड्राई टाइप का क्लच मिल जाता है, 310 mm की क्लच प्लेट मिल जाती है, डबल क्लच मिल जाता है, एक ये और एक ये आ जाता है जी क्लच, ठीक है। और यहाँ साफ साफ लिखा जी एफ और आर, यानी कि फ्रंट पीटीओ और रिवर्स पीटीओ। दोस्तों बात आती है गियर बॉक्स की, इस ट्रैक्टर में हमें लो मीडियम हाई अपना लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मिल जाता है जी, 5 गियर इधर मिल जाते हैं अगर। और दोस्तों अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की गियर बॉक्स की तो यहाँ हमें दोस्तों पार्टिकल सैंक्रो मैश और पार्टिकल कॉन्स्टेंट मैश का जो कॉम्बिनेशन जो इसमें मिल जाता है, और एक गियर दोस्तों हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है जी। ये है जी शटल गियर, इसमें न्यूट्रल करेंगे तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा, इसमें पीछे करेंगे तो ट्रैक्टर पीछे चलेगा, उसी गियर में पीछे और उसी गियर में आगे, यानी कि आप ये मान के चलो दोस्तों कि 3 ये हो गया और 5 ये हो गया जी, 5 × 3 = 15, यानी कि दोस्तों हमें 15 गियर ही आगे के और 15 ही पीछे के, 30 गियर वाला ट्रैक्टर हमें ये मिल जाता है। कलर बहुत ही बढ़िया दोस्तों, दानेदार मेटैलिक कलर है जी, बहुत ही खूबसूरत। अब दोस्तों स्विच मैं आपको एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ जी, ऑन करके इस तरह का स्विच जो मीटर डिस्प्ले हमें मिल जाती है दोस्तों, इसमें ट्रिप भी मिल जाती है और पावर मोड नॉर्मल मोड वगैरह सब आपको यहाँ दिखाई देते हैं। दोस्तों बात ऐसी है जी, ये है जी हमारा सिस्टम जो है, डीजल सेवर में 56 HP, नॉर्मल में 65 और पावर में 68 जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और इसी हिसाब से टॉर्क भी और पावर बैकअप टॉर्क भी इसी हिसाब से मिल जाता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर में 20, 23 और 25% का बैकअप टॉर्क मिल जाता है जी, ठीक है। अब बात आती है जी यहाँ स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग इस तरह का, बाकी स्विच वगैरह यहाँ मिल जाते हैं दोस्तों। इस ट्रैक्टर में जो स्टेयरिंग है वो नॉन एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक। बहुत ही हाथी जैसा दिखने वाला ट्रैक्टर है दोस्तों ये, इसमें आप चेक कर लो जी, यहाँ पर लिखा जी महालिफ्ट, यानी कि 27 क्विंटल की लिफ्ट, और इंडिकेटर पीछे इस तरह के हमें मिल जाते हैं जी, यहाँ लगेगी नंबर प्लेट। दोस्तों ये हमारा टूल बॉक्स, एडजस्टेबल सीट और यहाँ रिफ्लेक्टर, और दोस्तों ट्रॉला सॉकेट, ठीक है। पीटीओ का लीवर दोस्तों ये आ गया, ठीक है जी, और वो ठीक है जी। ये देखो जी यहाँ पर डबल मिल जाते हैं, सेंसिंग वाला सिस्टम डबल हो गया जी, यहाँ पर डबल पिन सेंसिंग आ गई जी, डिस्ट्रीब्यूटर वाल भी हैं और दोनों तरफ एडजस्टेबल भी आ गई, बहुत ही तगड़ा सिस्टम पीछे लगा, हुक इस तरह की हमारे को मिल जाती है दोस्तों। अब बात करें, अब दोस्तों चेक करेंगे इस ट्रैक्टर की SFC वगैरह जो है, वो SFC है दोस्तों 264 ग्राम किलोवाट की, और HP वाली है 197 ग्राम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ हमारी जो PTO पावर है उसे चेक करेंगे, किलोवाट में 44 और HP में है जी 59 HP PTO पावर और 197 ग्राम की हमें SFC मिल जाती है दोस्तों। कई भाई कहते हैं कि SFC करें कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करें, दोस्तों इसको करना है जी यहाँ पर 59 × 197 ग्राम, मतलब इसको हमें कैलकुलेट करना है जी PTO पावर से, इंजन की पावर से नहीं करना, ठीक है। अब दोस्तों पीछे का हिस्सा देख लो जी, कितना तगड़ा है ट्रैक्टर का, बहुत ही हैवी सिस्टम जो बनाया गया है। एक बार दोस्तों आवाज़ चेक कर लेते हैं जी, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि स्टार्टिंग थोड़ी लेट है जी, CRDA इंजन की स्टार्टिंग थोड़ी लेट ही होती है। आवाज़ चेक करो जी, पावर मोड में करके देखते हैं आवाज़ का फर्क आता है नहीं आता, एक बार 15 पे कर देते हैं।
अब करेंगे पावर। तो दोस्तों पावर मोड में और डीजल सेवर मोड में करने में कुछ खास फ़र्क नहीं, कोई 20-30 आरपीएम का फ़र्क आ रहा बस। ठीक है जी, अब ट्रैक्टर जो हमारा वो स्विच से ही बंद हो जाएगा, यानी कि चाबी से ही ट्रैक्टर बंद और चाबी से ही ऑन हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, आपने ट्रैक्टर देख लिया, फीचर वगैरह इसके सारे जान लिए, अब बारी आती है ट्रैक्टर के प्राइस की। ये ट्रैक्टर आपको आखिर मिलेगा कितने का? दोस्तों ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा लगभग 11.5 लाख का। ये प्राइस जो है ये बिल्कुल जो है परफेक्ट नहीं है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने भैया ने भी मुझे ये बताया कि ये एक एवरेज प्राइस है। आप अपने नज़दीकी शोरूम पर जाके जो कन्फर्म जो है इसका कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद तो यही है जी आपको सही सही पावर पता चल जाए और आपको इसके फीचर वगैरह जो है वो पता चल जाए। प्राइस का जो है ये थोड़ा आइडिया ही होता है जी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं, ना ही होता है और ना ही ये बता पाते हैं हमें। ठीक है जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट का यूँ बताना दोस्तों। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।